हेलो फ्रेंड्स, ये मलेशिया ट्रैवल सीरीज़ का मेरा सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग में मैंने कुआलालंपुर के बारे में कवर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे गेंटिंग हाइलैंड्स के बारे में। इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि आप गेंटिंग हाइलैंड्स कैसे पहुंच सकते हैं कुआलालंपुर से, और यहाँ पे क्या क्या आप घूम सकते हो, यहाँ पे कौन सी होटल्स में रुक सकते हो, एक्सेट्रा। सो बेसिकली आपके पास दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गेंटिंग हाइलैंड्स पहुँचने के लिए। या तो आप कैब बुक कर सकते हो या तो आप बस से जा सकते हो। हम लोग बस से गए थे। ये बस आपको केएल सेंट्रल से मिल जाएगी। ये केएल सेंट्रल में लॉकर्स अवेलेबल है, इसके कॉस्ट क्या हम देखते हैं। 20 रिंगिट, 10 रिंगिट या 50 रिंगिट्स पर डे का। 50 रिंगिट है मतलब है पर आवर। 20 20 नहीं ना, ये तो महंगा पड़ेगा अपने को। बट इतने साइज के लॉकर्स अवेलेबल है। लॉकर में जाके क्या होता है, देखो फेस रिकॉग्निशन हो गया। ग्रीन गेंटिंग के लिए बस करने के लिए आपको केएल सेंट्रल के लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, जहाँ पे एक बुकिंग कियोस्क है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो। हम लोग मॉर्निंग में 9:30 अराउंड पहुँच गए थे, लेकिन हमको टिकट मिला था अराउंड 11:30 का। सो इतनी वेटिंग यहाँ पे रहती है। सिंस अभी एक ऑफ सीज़न था इसलिए हमको टिकट मिल गई, लेकिन मैंने सुना है कि अगर पीक सीज़न टाइम रहता है तो आपको प्री बुकिंग करानी पड़ती है। बुकिंग कराते समय ये ध्यान रखिए कि बस के साथ साथ आप केबल कार का भी टिकट यहीं से ले रहे हो, क्योंकि अवाना स्काईवे अगर आप वहाँ जाके लेते हो केबल कार का टिकट, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है। सो बेटर है कि यहाँ से आप कंबाइंड टिकट लो, वन वे बस और केबल कार जिसको स्काईवे कहते हैं, उसकी टिकट मिला के 10 रिंगिट्स होती है, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। प्लस आपको लाइन में खड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बेटर है कि आप वही लें। चलिए, हमारी बस ये आ गई है। यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो। और चलिए अंदर जाके बताती हूँ बस कैसी है। ये हमारी सीट है, एसी बस है। चार्जिंग पॉइंट है क्या अंदर? ये बस राइड काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और काफ़ी सीनिक रहती है। इतनी हरियाली है पूरे रास्ते में कि बहुत मज़ा आती है। 1 घंटे में आप कब पहुंच जाते हो को पता भी नहीं चलता, इतनी कंफर्टेबल राइड रहती है। ये हम अवानस हाईवे पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है टिकट लेने के लिए। सो बेटर है कि आप केएल सेंट्रल से ही स्काईवे या केबल कार की टिकट लेके चले, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। हम आ गए यहाँ पे लाइन, यहाँ पे टिकटिंग काउंटर पे बहुत लाइन थी। तो अगर आप केएल सेंट्रल से ले लोगे बस और स्काईवे दोनों की, तो आपको इजीली आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ स्काईवे में, नहीं तो वहाँ पे बहुत लाइन थी लंबी। तो अभी हम स्काईवे वो शायद मेंटेनेंस में ना, तो यही चल रहा होगा, इसमें हम जाएंगे अब। बस की 1 घंटे की जर्नी तो हमको पता भी नहीं लगा था कब ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे हमको एक एक मिनट भी भारी पड़ रहा था, क्योंकि एक तो ये हाइट पे था और प्लस आपको 10 मिनट तक केबल कार में बैठे रहना है, तो थोड़ा स्कैरी एक्सपीरियंस है, लेकिन इट्स वर्थ डूइंग। एक बार तो करना चाहिए, मज़ा तो आता है। इन केस आपको केबल कार से नहीं जाना है फॉर सम रीज़न, तो वहाँ पे कैब्स अवेलेबल रहती है। आप ग्रैब से टैक्सी बुक कर सकते हो। हमने रिटर्न में जो है, हम रिटर्न में केबल कार से नहीं आए थे, हम रिटर्न में उसी से आए थे कैब से, तो वो एक ऑप्शन है। हमने यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड होटल में बुकिंग कराई थी। यहाँ पे चेक इन के लिए ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमको लग गया, इतना ज़्यादा रश था। और होटल की डायरेक्शन आप किसी से पूछ ले तो बेटर है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ते हैं, आप घूमते रह जाओगे। ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद हमने अपने रूम में चेक इन किया। सो हमने बेसिक कैटेगरी रूम किया था, जिसका टैरिफ हमको पड़ा था 1500 रुपीज़ पर नाइट। यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं लिया गया था, लेकिन कुछ तो 2 या 3 रिंगिट का कुछ तो सस्टेनेबिलिटी फी लगी थी काउंटर पे, तो वो हमने कैश में पे किया था। बाकी तो कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं था। बेसिक एमिनिटीज़ रूम में थी, लाइक हेयर ड्रायर, केटल, क्रीमर और ये सब चीज़ें, जो टीवी वगैरह, ये सब जो बेसिक चीज़ें थी वो सब थी, बट उनकी ज़रूरत पड़ती नहीं एक्चुअली, अब मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही रहते हो। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि कैंटिंग हाईलैंड में हमको क्या देखने को मिलेगा। इंडोर थीम पार्क,
बच्चों के सबसे अच्छा है। ये एक जाइंट मॉल जैसा है जिसमें काफ़ी सारे शॉप्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ है, इवन रोलर कोस्टर राइड्स सब कुछ है इसमें। मतलब आपके चलते चलते पैर दुख जाएंगे लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। मॉल में इतनी देर घूमने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा बाहर आके भी देखा जाए, तो काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन, ऑफकोर्स हिल स्टेशन ही है ये, तो काफ़ी बादल वगैरह छाए हुए हैं, मौसम काफ़ी ठंडा रहता है बाहर। ये जो कलरफुल बिल्डिंग आपको दिख रही है उसी में हम रुके हुए हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इस होटल के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द लार्जेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। चलिए अब मॉल में वापस चलते हैं और कुछ पेट पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंडियन रेस्टोरेंट है स्पाइस गार्डन, और इधर जैन फूड भी मिल रहा है, वेजिटेरियन फूड मिल रहा है। रेट देख लीजिए ऐसे है, ये तो नॉन वेज है। रोटी जो है 8 रिंगेट की है, 8 रिंगेट की रोटी। वेजिटेरियन सब्जियां भी मिल रही है 20-25 रिंगेट के, बहुत कॉस्टली है। देखिए वेजिटेबल पुलाव 22 रिंगेट का है, गुलाब जामुन 4 पीस, बेवरेजेस चाय, पाइनएप्पल जूस। जैन फूड तो लिखा हुआ है ना नीचे उसमें कि अनियन गार्लिक नहीं बने हैं, होगा। चलो ये तो ये है मेन्यू इसका, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। स्पाइस गार्डन है ये, किधर आएगा ये? जेंटिंग ग्रैंड में, जेंटिंग ग्रैंड में। यहाँ पे एक या दो कैसीनोज भी है जिसकी एंट्री फ्री है, हम बस ऐसे फोटोग्राफी वगैरह करके आ गए। यहाँ पे एक आउटडोर पार्क भी था लेकिन जिस टाइम हम गए थे तब ये बंद था, जस्ट कोविड के बाद अभी ये ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी विजुअली अपीलिंग है, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, मेनली शॉपिंग हमने प्रीमियम आउटलेट से की थी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। पूरे बादल छाए हुए हैं, नेक्स्ट डे होटल से चेकआउट करके हमने ग्रैब टैक्सी बुक कर ली थी, ये हमको अवाना स्काईवे का जो स्टेशन है वहाँ पर ड्रॉप कर देगी। यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी सीनिक है, सो केबल कार डिच करने का और कैब से आने का डिसीजन हमारा ये सही रहा। अवाना स्काईवे आने के बाद आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो प्रीमियम आउटलेट्स में, यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान मिलेगा। ये प्लेस मतलब शॉपोहॉलिक्स के लिए तो हेवन है, यहाँ पे इतने सारे अच्छे ब्रांड्स आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे, लाइक स्केचर्स, ऐसे एक प्यूमा, यू नेम इट एंड यू हैव इट। आई मीन नॉट जस्ट ओनली शूज़, कपड़े, एक्सेसरीज, जो आप बोलो सब कुछ है यहाँ पे। सो एटलीस्ट यहाँ पे आप 2 से 3 घंटा आराम से विंडो शॉपिंग या शॉपिंग जो भी आपको करना आप कर सकते हो, बहुत मस्त जगह है। लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू ऑल दी स्टोर्स दैट वी हैव बीन टू। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, हम ऑलमोस्ट 1 घंटा ही रुके थे यहाँ पे, तो हमने कुछ वॉचेस वगैरह खरीदी थी यहाँ से और कुछ शूज़ वगैरह खरीदे थे। रिटर्न में भी आप यही बस कर सकते हो जो कि आपको गेंडिंग हाईलैंड से केएल सेंट्रल ड्रॉप कर देगी, इसका टिकट आप स्काईवे सेंट्रल से ले सकते हैं। गेंडिंग हाईलैंड से हम रिटर्न वापस कुआलालंपुर आ गए,
जिसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। कुआलालंपुर के बारे में जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।